यूपीएससी की 12वीं की कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 87.33% छात्र बोर्ड परीक्षा में पास हुए हैं। सीबीएसई छात्रों को किसी तरह की कोई श्रेणी नहीं दी गई है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड श्रेणी नहीं दी गई है और सीबीएसई का ये मानना है कि इस तरीके की श्रेणी प्रदान करने से अनहेल्दी कॉम्पिटिशन बच्चों में बढ़ता है और ये ना हो, बच्चे इस तरीके के अनहेल्दी कॉम्पिटिशन का शिकार ना हो, इस वजह से सीबीएसई ने ये श्रेणियां नहीं दी हैं। लेकिन प्रतिशत सामने आया है 87.33% छात्र इसमें पास हुए हैं और बारहवीं का रिजल्ट सीबीएसई का घोषित हो चुका है। इसके बाद बच्चे आगे कॉलेजों में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आगे की प्रक्रिया अब यहां से शुरू होगी और बच्चे लगातार रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे जो आज घोषित हो गया है। 87.33% बच्चे इसमें पास हुए। फरा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। फरा, 87.33% बच्चे पास हुए हैं, ट्वेल्थ का रिजल्ट सीबीएसई ने घोषित कर दिया है और बड़ी बात यह है कि अनहेल्दी कंपटीशन से बचने के लिए श्रेणियां नहीं बनाई हैं सीबीएसई ने। फरा जी बिल्कुल, देखिए बारहवीं के बच्चों को जो है रिजल्ट का इंतजार था और वो अनाउंस कर दिया गया है और सबसे अच्छी चीज यही है कि हर बार जैसे वो टॉपर लिस्ट देखी जाती थी या मेरिट के हिसाब से होता था कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, वो नहीं है। वो इसलिए है कि बच्चों में कई बार देखा जा रहा था कि वो डिप्रेशन में चले जाते थे और जो मेरिट लिस्ट थी उसके चलते उनको कॉलेजेस वगैरह में भी काफी दिक्कत होती थी। इसी के चलते जो है ये किया गया है और इस बार रिजल्ट में ये देखा गया है कि जो पिछले साल की तुलना थी उसमें 92.71% रहा था और इस बार 87.33 रहा है। देखिए सीबीएसई की जो परीक्षा है कुल 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने जो है हिस्सा लिया था जिनमें से 14 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं वो पास हुए हैं। और ये देखा जाए तो इस बार भी जो है एग्जाम में बेटियां जो हैं वो काफी आगे रही हैं क्योंकि ये देखा जा रहा है कि उनके पर्सेंट जो हैं वो ज्यादा अच्छे आए हैं। और इस बार स्कूल रीजन की तरफ से देखा गया है तो त्रिवेंद्रम रीजन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 99.91 जो है वो परसेंट आया है। तो देखिए अभी लगातार स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना रिजल्ट देख रहे हैं और सबसे अच्छी चीज यही है कि इस बार जो है वो मेरिट लिस्ट नहीं की गई है जिससे बच्चों पर भी एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो। क्योंकि देखिए पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो 92% रहा था पहले सिलेबस भी कम था और इस बार बच्चों ने जो है वो ज्यादा सिलेबस था और उनके लिए थोड़ा सा प्रेशर भी ज्यादा था तो इसी हिसाब से देखा जा रहा है कि रिजल्ट भी कम है और परसेंटेज भी जो है वो काफी कम आई है। वहीं अगर लड़कियों की बात की जाए तो 19.68 जो है लड़कियां पास हुई है जो कि बॉयज परसेंटेज से 6% ज्यादा है। तो इस बार के लिए बच्चों के लिए राहत दी है इस बार सीबीएसई ने। बिल्कुल फरा, राहत की बात तो जरूर है कि श्रेणियां जो मेरिट लिस्ट निकाली जाती थी सीबीएसई ने वो इस बार नहीं किया है। कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर से बच्चों को बचाने की कोशिश की गई है। लेकिन फरा, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि 5% कम रिजल्ट आया है बीते साल के मुकाबले और बीते सालों में क्या हुआ, 2 सालों में हमने देखा कोविड की वजह से जिस तरीके से बच्चों के एग्जाम नहीं हुए और फिर घरों से ही उन्हें क्लासेस लगाई गई और फिर पिछली मार्क्स के अकॉर्डिंग पास कर दिया गया, तो इस तरीके की उथल पुथल देखने को हमें मिली बीते 2 सालों में कोविड की वजह से और अब इस बार क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे तो क्या इसका असर देखने को मिल रहा है ये जो इस बार परसेंटेज सामने आई है पासिंग स्टूडेंट्स की? सकते हैं कि ये बच्चों पर एक तो सिलेबस का प्रेशर ज्यादा था क्योंकि पहले जैसे मैंने कहा वो सिलेबस कम कर दिया गया था क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रहे थे और उन पर कोविड का प्रेशर ज्यादा था, उनके क्वेश्चंस और उस तरीके से चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी तो सिलेबस कम कर दिया गया था। लेकिन इस बार सिलेबस पूरा था, ऑफलाइन क्लासेस थी और बच्चों पर प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि देखिए ट्वेल्थ का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज्यादा मेन होता है और जिस तरीके से कॉलेजेस की तरफ से कट ऑफ निकलता है तो उसको लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो इस बार यही देखा जा रहा है कि पिछली तुलना में जिस तरीके से बच्चों का सिलेबस कम कर दिया था तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था लेकिन इस बार दोबारा से वो प्रेशर, वो सिलेबस उन पर आया तो वो जो परसेंटेज है वो डाउनफॉल हुआ और इसी को देखते हुए कि बच्चों में वो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन ना आए, वो प्रेशर ना रहे, इसलिए मेरिट लिस्ट भी जो है उसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ स्कूल रीजन वाइज जो है परसेंटेज डिक्लेयर की गई है जिसमें 14 स्कूल हैं और अगर हम दिल्ली की बात करें तो वो 4वें नंबर पर है। जी ठीक है फरा, आप नजर बना के रखें क्योंकि अब यहीं से आगे की प्रक्रिया भी शुरू होगी, अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन का सिलसिला भी अब जारी होगा। हमसे जुड़ने के लिए फरा और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत